हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। देखिए, हमारा जो चैप्टर था हमारे सिस्टर, ठीक है, उसका हम लोग आज पैराग्राफ नंबर थर्ड पढ़ने जा रहे हैं, स्टार्ट कर रहे हैं। पैराग्राफ थर्ड लिखा हुआ है, देन शी टर्न टू माई सिस्टर एंड सैड। ठीक है, जब जो नीलू की जो इल्डर सिस्टर थी वो बैरव दीदी से नीलू को इंट्रोड्यूस कराती हैं, तब उसके बाद के बारे में बता रहे हैं कि जो बैरव दीदी थी वो क्या करती हैं, शी टर्न टू माई सिस्टर। ठीक है, कि बैरव दीदी मेरी सिस्टर की तरफ मुड़ती हैं और उनसे कहती हैं, वाई डोंट बोथ ऑफ यू कम विद मी, आई हैव कार हेयर। ठीक है, क्या कहती हैं कि आप दोनों मेरे साथ मेरे कार में क्यों नहीं चलते हो, मेरी कार यहाँ पर है। आई सेड, तो नीरू कह रहे हैं कि बट आवर फादर्स ऑफिस कार इज़ ऑल्सो देयर हेयर। तो क्या कहते हैं कि मतलब जो फादर के ऑफिस की कार है वो भी यहाँ पर मौजूद है। वेल देन सो लॉन्ग, सी सेड, तो वो कहती हैं कि ठीक है। देन शी सेड टू माई सिस्टर, तो मेरी सिस्टर से कहती हैं, आई होप यू विल रिमेंबर ऑल दैट आई टोल्ड यू। ठीक है, यानी कि वो कहती हैं ठीक है, कोई बात नहीं। उसके बाद टर्न होती हुई टिल्डर सिस्टर जब टर्न होती है और उनसे कहती हैं कि आई होप, मैं ये आशा करती हूँ, यू विल रिमेंबर ऑल दैट आई टोल्ड यू, कि जो कुछ भी मैंने तुम्हें बताया है तुम उस पर अमल करोगी या उसका ध्यान रखोगी। सिस्टर रिप्लाइड, तो उस बात पर सिस्टर रिप्लाई करती, ओ यस, हाँ यस, हाँ बैरो दीदी, आई विल डेफिनेटली सी यू इन दिल्ली अगेन, कि हाँ मैं दिल्ली में आपसे निश्चित रूप से मिलूँगी। आई आस्क्ड हर हु द ओल्ड लेडी वॉज। ठीक है, नीलू कह रहे हैं कि मतलब मैंने अपनी सिस्टर से पूछा कि लेडी कौन थी, शी मेयरली सेड माई एल्डर सिस्टर, तो मेरी सिस्टर ने क्या कहा कि मतलब ये मेरी बड़ी दीदी है। वेरी नेक्स्ट मॉर्निंग सी आज में, अगली ही सुबह उन्होंने मुझसे पूछा, यानी एल्डर सिस्टर ने नीलू से पूछा, बाय द वे नीलू, हैव यू एनी आइडिया वेयर वन में बाई कोबराज। ठीक है, कि वो नीलू से अगले दिन पूछती हैं कि नीलू, क्या तुम्हें पता है कि कोबरा कहाँ मिलते हैं। कोबरा नागों की एक प्रजाति होती है, स्नेक्स की। ठीक है, तो बट वाई आई सैड कोबराज सैड माई सिस्टर। ठीक है, तो मैंने उनसे पूछा कि मतलब जब उन्होंने मुझसे कहा कि कोबरा कहाँ मिलते, तो उनकी बात को सुनकर मैं बहुत ज़्यादा हैरान हो गया और मैंने उनसे पूछा कि बट वाई, बट वॉट, बाई वॉट, कि खरीदना है, किस लिए खरीदना है। सैड माई सिस्टर, आई वॉन्ट टू बाई वन। ठीक है, मेरी सिस्टर ने क्या कहा कि मैं एक कोबरा खरीदना चाहती हूँ, बाई इट एंड टेम इट, मैं एक कोबरा खरीदूँगी और उसे पालूँगी। वॉट, ठीक है, इस बात को सुन करके नीलू कह रहे हैं कि मतलब मैं बहुत ज़्यादा हैरान हो गया और मैंने कहा क्या। माई सिस्टर बस्ट आउट लाफिंग एंड सैड, कि मेरी सिस्टर जो है मेरे इस बिहेवियर को देख करके हंसने लगी और कहती हैं, वाई नॉट, दे आर प्रिटी यूजफुल क्रीचर, कि मैं क्यों नहीं खरीद सकती हूँ, ये बहुत ही सुंदर से मतलब प्राणी होते हैं। आई वॉज एब्सोल्युटली सर्टेन माई सिस्टर हैड गॉन बैटी। ठीक है, और जब मेरी सिस्टर ने ये बात कही कि उन्हें कोबरा खरीदना है, तो मैं इस बात से सर्टेन हो गया कि मेरी सिस्टर क्या हो गई, पगला गई, मतलब पागल हो गई है। और परहैप्स देयर वॉज समथिंग रॉन्ग विद माई ईयर। ठीक है, मतलब मुझे दो बातें फील हुई, पहले ये कि मेरी सिस्टर जो है वो थोड़ा मतलब एसेंट्रिक हो गई, पागल हो गई है, या दूसरा ये हो सकता है कि मे बी मेरे कानों में सुनने में प्रॉब्लम हुई है। एट होम मदर आज माई सिस्टर, आई होप यू हैड अ नाइस जर्नी, और घर पर मेरी मदर ने सिस्टर से पूछा कि मतलब मैं ये आशा करती हूँ कि तुम्हारी जर्नी बहुत अच्छी रही होगी। माई सिस्टर रिप्लाइड, तो मेरी सिस्टर ने रिप्लाई किया, यस मदर देयर वॉज, कि हाँ मदर हमारी जर्नी बहुत अच्छी रही। माई सिस्टर स्माइल्ड एंड सैड, मेरी सिस्टर इस बात को सुनकर के स्माइल करती हैं और कहती हैं, देयर वर डकैट्स इन अवर कंपार्टमेंट यू सी, कि आपको पता है कि मतलब मेरे जो कंपार्टमेंट था उसमें डकैत आ गए थे। ठीक है, अब डकैत आ गए तो इस बात को सुनकर के पूरी फैमिली क्या हो गई थी, बहुत ज़्यादा परेशान हो गई थी, हैरान हो गई थी। ठीक है, अब देखिए पैराग्राफ थर्ड के भी आप पर आपके कुछ क्वेश्चन आंसर दिए हुए हैं, ये आपकी वर्ड मीनिंग दिया हुआ है। उसके बाद क्वेश्चन आंसर कह रहा है, फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, व्हाट टाइप ऑफ क्रीचर डिड द सिस्टर वांट टू बाई, किस तरह का प्राणी सिस्टर खरीदना चाहती थी, तो क्या होता, सिस्टर वांटेड टू बाई कोबरा, कि सिस्टर क्या थी, कोबरा खरीदना चाहती थी। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ, व्हाट हैपेंड ड्यूरिंग द जर्नी, जर्नी के दौरान क्या हुआ था, तो ड्यूरिंग द जर्नी दे मेट टू द डकैट, जर्नी के टाइम क्या था, वो लोग डकैत से मिले थे। आई होप आपको ये थर्ड पैराग्राफ समझ में आ गया होगा। थैंक यू फॉर सीइंग इट।